एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पिछले कुछ महीनों में हमें ऐसे 3 केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर किसी इंडियन सिटीजन ने चलती हुई फ्लाइट के अंदर किसी और पैसेंजर के ऊपर पेशाब कर दिया। अब इमेजिन करो कोई अमेरिका या जापान जैसा देश एक फिल्म बनाए यहाँ पर इंडिया स्टोरी नाम से, और उस फिल्म में दिखाया जाए कि कैसे ये इंडियंस तो हमेशा पेशाब ही करते रहते हैं औरों के ऊपर फ्लाइट्स में। 32,000 ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर इंडियंस ने पेशाब किया है किसी और के ऊपर, कैसा लगेगा आपको सुनकर। इसी तरीके से दोस्तों 3 लोगों के इंडिविजुअल केसेस को लेकर पूरी केरला स्टेट को बदनाम किया जा रहा है। इस चीज को लेकर जब फिल्म के डायरेक्टर से सवाल किया गया, पूछा गया कि भाई सोर्स क्या है आपके इस नंबर का, तो वो सवालों से भागते रहे। ऑल्ट न्यूज से बात करते वक्त उन्होंने कहा कि जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तब मैं अपना डेटा बताऊंगा कि किस डेटा के आधार पर मैंने 32,000 बोला था। द क्विंट को उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज वेरी क्लिशेड। जब फिल्म की स्क्रीनिंग हुई JNU में तो इन्होंने कहा कि 32,000 वाला नंबर एक आर्बिट्री नंबर था, और जब बात कोर्ट में पहुंची तो इन्होंने फिल्म के डिस्क्रिप्शन से 32,000 वाला नंबर ही हटा दिया और 3 नंबर डाल दिया।